अगर आप भी रहना चाहते हैं चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और अपने परिवार के और अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं खुशहाल जीवन, तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे इस चैनल की वीडियोस की अपडेट्स फ्री में मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो मेरा आज का टॉपिक है वह आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हम अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा खाने पीने की तरफ इन्वॉल्व नहीं होते। इसी वजह से फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे वह बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, या फिर उनकी आँखों पे आप देखिए आजकल एक एक दो दो साल के बच्चों के भी आँखों पे स्पेक्स लगा होता है, उनकी नज़र कमज़ोर होती है। कई बार ऐसा होता है कि उनकी स्किन बिल्कुल येलो होती है, बिल्कुल उनकी स्किन में ऐसा लगता है कि ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके पीछे जो कारण है वह मैं आज आपको बताऊँगी और किन चीज़ों से यह ठीक हो सकता है और कैसे आप अपने बच्चे के शरीर में और अपने शरीर में भी इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ विटामिन ए और आयरन की कमी की। फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा ये देखने को मिली है और एक रिसर्च के अनुसार यह बात सामने आई है कि ऑलमोस्ट 1/3 लोग इससे प्रभावित हैं। और आप ये सोचिए कि इनकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और यह जो कमी होती है ये खासकर बच्चों में और महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, वैसे तो आप इसका टेस्ट एक बार, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ पहले डॉक्टर से जाकर एक बार टेस्ट करवाइए कि हद किस हद तक आपके बच्चे के शरीर में या आपके शरीर में इसकी कमी हो गई है, और इस तरह से आप इसको घर पर पहले पहचान सकते हैं। यह मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, जो विटामिन ए है उसकी कमी से हमारी आईसाइट सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की आईज वीक हो रही है और साथ ही साथ उसकी स्किन भी ड्राई हो रही है, तो आपको चौकन्ना होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी से ही आपके बच्चे में विटामिन ए की कमी हो रही है और उसकी वजह से उसकी आँखों पर असर पड़ रहा है, तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आगे चलकर यह ब्लाइंडनेस का रूप भी ले सकती है। यह हमारी आईज को और हमारी स्किन को और हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसलिए आप अलर्ट हो जाइए अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स अपने बच्चे में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा अनिमिक है, उसमें आयरन की कमी है, उसमें हीमोग्लोबिन उसका बहुत लो रहता है, तो भी यह उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्रेंड्स अगर वह विटामिन ए और आयरन वाली डाइट नहीं लेगा तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता रहेगा और इन चीज़ों के साथ साथ उसको और भी कई सारी बीमारियां लगेंगी, क्योंकि जो विटामिन ए है वह हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती, यह हमें बाहर के डाइट से, बाहर के सोर्स से ही लेना पड़ता है। इसीलिए अगर आप उसकी डाइट का ध्यान रखेंगे तो उसके शरीर में विटामिन ए के साथ साथ आयरन की कमी भी नहीं होगी। जो आयरन की कमी है यह तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों में कॉमन है, क्योंकि बच्चे प्रॉपर डाइट नहीं लेते, उनमें खून की कमी रहती है और इस वजह से उनको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहती है, उनकी बॉडी में ब्लड कम होता है, जिस वजह से उनका फेस भी बिल्कुल पेल होता है, बिल्कुल पीलापन उनके फेस पर रहता है और उनकी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे वीक पड़ती जाती है। इस सब से आप अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं और डाइट में आप किन किन पर्टिकुलर चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपका बच्चा इन सब चीज़ों से दूर रख सके और एक प्रॉपर अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ हो सके। तो सबसे पहले आप जानिए कि विटामिन ए की कमी आप किस डाइट के द्वारा पूरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जो दूध दही है, मक्खन है, पनीर है, जो दूध से बनी जो भी चीज़ें हैं, उनमें विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। यह विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, इसीलिए अगर आप रेगुलर तौर पर अपने बच्चे को विटामिन ए देना चाहते हैं तो उसकी डाइट में ये चीज़ें तो ज़रूर से ही शामिल करें। फ्रेंड्स, जो बॉइल्ड एग हैं वह भी विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा अगर आप फिश खाते हैं तो वह भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, विटामिन ए का यह भी बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, गाजर है, ब्रोकली है, टमाटो है, शलगम है, धनिया, हरा धनिया है, मटर है, कद्दू है, हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, इन सब में विटामिन ए और साथ के साथ बीटा कैरोटीन, जो कि हमारी आइज की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यह दोनों चीज़ें ही काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ऑरेंज है, पपाया है, बीटरूट है, चीकू है, खुमानी, वाटरमेलन है, आम है, यह भी
विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इनका सेवन भी अगर आप करवाते रहेंगे तो आपके बच्चे के शरीर में, आपके शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। फ्रेंड्स, इनके अलावा जो ये तो थी फल सब्जियां, जो बाकी चीज़ें हैं, अनाज है वह भी विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। उनमें मकई यानी कि कॉर्न है, राजमा है, फलियां हैं जो बीन्स होती हैं, किसी भी तरह की फलियां आप ले लीजिए, सब अच्छे होती हैं। अरहर की दाल यानी तुअर की दाल जिसको कहते हैं, वह भी विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। या फिर जो साबुत अनाज होता है, इन सब का सेवन आप अपने बच्चे को ज़रूर किया कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए डाइट ही है जो आपके बच्चे का आने वाले उसके जीवन के लिए बहुत अच्छा एक बेस बनाएगी। अगर अभी से आप उसके शरीर में किसी ना किसी चीज़ की कमी रह पाएगी तो उसका आपको देखने में शायद यह ना लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होगा और उसकी ग्रोथ में भी यह बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस बन सकती है। इसलिए डाइट का आपको उसके खास ख्याल रखना है। तो ये तो थी विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए जो डाइट मैंने आपको बताई। अब आप देखिए आयरन जो होता है उसकी कमी तो बहुत ज़्यादा मैंने देखने में मेरे सामने आती है, और बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे बच्चे का HP बहुत कम है, उसमें खून की बहुत कमी है, आयरन की बहुत कमी है, तो हम उसको क्या दें। तो आज इस बारे में भी आप ज़रूर सुनिए। फ्रेंड्स, शरीर में अगर खून की कमी है आपके बच्चे के तो आप उसको टमाटर रेगुलर तौर पर खिलाइए। टमाटर बहुत अच्छा है आयरन का एक सोर्स। इसके अलावा आंवला है, बीटरूट है, यह भी दोनों बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ जो पोमग्रेनेट है यानी अनार है, यह भी बच्चे के बड़े के शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है और अनीमिया जैसी बीमारियां होने की नौबत ना आए, इसलिए आप प्लीज़ अभी से अलर्ट हो जाइए। साथ ही फ्रेंड्स, पालक है, तुलसी है, अमरूद है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितनी भी हैं, बीन्स हैं, यह सब चीज़ें आयरन से भरपूर होती हैं। और अगर आप रेगुलर तौर पर अपने बच्चे को अंडा भी देना चाहते हैं, उसमें भी आयरन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है, और ये सब बच्चों के लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं जिनमें आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। उनमें है खजूर यानी जो डेट्स होती हैं वो, अखरोट है, बादाम, आलमंड है, और साथ ही साथ किशमिश भी है। यह सभी ड्राई फ्रूट्स ब्लड में सेल्स को बढ़ाते हैं और अगर ब्लड में खून की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ मूंगफली यानी पीनट्स जो होती हैं वह भी आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो फ्रेंड्स, यह थी डाइट की ऐसी कुछ चीज़ें जिनको आपको अभी से ही अपने बच्चे की डाइट में शामिल करना ज़रूरी है। अगर नहीं भी आपको कोई सिम्टम्स अपने बच्चे में नज़र आ रहे हैं तो भी उसके फ्यूचर के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर आपके बच्चे की आईसाइट वीक होनी शुरू हो गई तो फ्रेंड्स उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है आगे चलकर। इसलिए आप अभी से, आज से ही कॉन्शियस हो जाएं और ये सभी चीज़ें कॉन्शियसली उसकी डाइट में शामिल करें, कि किसी भी तरह से, किसी भी रूप में सही, लेकिन उसको इन चीज़ों को खिलाएं ज़रूर। अगर फिर भी आप इस बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप वह भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी इस टॉपिक पे आज की बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो आपको करना ही होगा ताकि दूसरे लोग भी इसका उतना ही बेनिफिट उठा सकें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी आप ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।